नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साल पूरा कर लिया है। वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। यदि हम महंगाई की बात करें, पेट्रोल पुरानी कीमत पर पहुंच गया है, दाल एक बार फिर गरीब की कटोरी से बाहर होती दिख रही है, तो ऐसे महंगाई तो बिल्कुल नहीं घटी। ये निश्चित बहुत गंभीर सवाल है कि ये मोदी सरकार का एक सौभाग्य रहा कि जब वो सरकार में आए हैं तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें अचानक कम हुई थी और उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई थी। लोगों को लगने लगा कि ये अच्छे दिन आ गए हैं और ये अच्छे दिनों का संकेत है। दरअसल ये अच्छे दिन सरकारी प्रयासों से कम और जो स्थिति थी अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में, तेल की कीमतों की, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की, जो 110 से 120 बैरल पर डॉलर प्रति बैरल था, उससे जाकर जब वो $60 पर और $70 पर आ गया था, तो उस वजह से तेल की कीमतें हमारे यहाँ कम हो गई। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाव फिर बढ़ने लगे तो हमारे यहाँ फिर बढ़ गए। सरकार को सोचना होगा कि वो इस चुनौती से कैसे निपटे। दूसरी गंभीर बात यह है कि अगर फिर से 100-110 रुपए किलो में दाल मिलने लगी तो निश्चित तौर पर 40-50 रुपए किलो में सब्जियां मिल रही हैं, तो गरीब आदमी के लिए तो अभी अच्छे दिन नहीं आए हैं और इन अच्छे दिनों को लाने के लिए सरकार को कोई ठोस कदम तो उठा नहीं होंगे। यदि जी मोदी सरकार जिस गति से काम कर रही है, उससे क्या लगता है कि आने वाले बिहार चुनाव में उसे फायदा मिल पाएगा? बिहार चुनाव मुझे लगता है अपने आप में एक अलग मसला है और इसका मोदी सरकार से फिलहाल कोई संबंध नहीं है। और बिहार में जो कुछ भी होगा वो मोदी सरकार के कामकाज को देखकर नहीं होगा। बिहार में जमीनी पकड़ भारतीय जनता पार्टी की कितनी मजबूत है उसको देखकर होगा। आप मई 2014 के चुनावी नतीजों से और एक साल के मोदी सरकार के कामकाज से बिहार को नहीं जोड़ सकते। ये अभी से चेतावनी मैं चुनावी पंडितों को देना चाहता हूँ। बिहार एक अलग धरातल है, बिहार एक अलग समीकरण है। देश की जनता ने केंद्रीय राजनीति को अलग से और राज्य की राजनीति को अलग से करके देखना शुरू कर दिया है। दिल्ली के चुनाव इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। 67 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी वहां पर विजयी हुई है। ऐसी स्थिति में बिहार के जो चुनाव होंगे वो बिहार की जनता के मानस के आधार से, क्षेत्रीय समीकरण के आधार से, बिहार में जातीय समीकरण भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उसके आधार पर होंगे। और भारतीय जनता पार्टी इन सारे समीकरणों के साथ अपने पत्ते कैसे खेलती है, इसके ऊपर बिहार में उसकी हार जीत तय होगी। जदि भी एक साल का जश्न मनाने की जोर शोर से तैयारियां जारी हैं, इसमें खर्चा भी काफी होगा, तो ऐसे में क्या ये उचित है? देखिए, मैं इस बात से तो सहमत हूं कि अगर आपने काम किया है तो उसका प्रचार भी होना चाहिए। कई बार आप अच्छा काम करते हैं लेकिन लोगों तक पहुंच नहीं पाता। वो लोग कह रहे हैं कि हमने 12 रुपए में लोगों को इंश्योरेंस देने की बात की है और अगर 12 रुपए में हम इंश्योरेंस दे रहे हैं तो लोगों को नहीं बताएंगे तो कैसे वो 12 रुपए देकर इतना बड़ा इंश्योरेंस की जो स्कीम है उसका फायदा, या फिर जनधन योजना जो है उसका फायदा उठाएंगे। तो मुझे लगता है प्रचार करना चाहिए लेकिन प्रचार की अति नहीं करना चाहिए। अपने आप की बेहतर प्रस्तुति, अपनी योजनाओं का बेहतर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। लोगों तक सीधा जानकारी पहुंचाना जरूरी है, जनता से, समाज से संवाद बनाए रखना जरूरी है। लेकिन उस संवाद की, उस प्रचार की यदि आप अति कर देते हैं तो आपके जो मूल काम है उससे ज्यादा बड़ा उसका प्रचार हो जाता है। नाक से बड़ी जो नथ हो जाती है, जैसा हम कहते हैं, तो फिर नाक टूट जाती है। इसीलिए हमें कोशिश करनी होगी कि जितनी नाक है उसके अनुपात में हम उसमें नथनी लगाएं, तो वो सोने पे सुहागा वाली बात होती है। यदि प्रचार मूल काम से ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर गड़बड़ी शुरू होती है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार के एक साल की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।